नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारिश के कारण वलसाड़ हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल के कारण वाहन चालकों को परेशानी। हाईवे अथॉरिटी वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूलती है, फिर भी हाईवे पर सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। पारड़ी में कल्सर चेक पोस्ट पर कार में शराब के साथ सूरत के सस्पेंड हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। वह दमन के वाइन शॉप से शराब खरीदकर बिक्री के लिए सूरत ले जा रहे थे। कुल रुपए 3.35 लाख का माल सामान जब्त किया गया। शादी या प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ही एक नेता का मामला सामने आया है। धर्मपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक ईश्वर भाई पटेल 60 साल की उम्र में दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बारिश के कारण वलसाड़ हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल के कारण वाहन चालकों को परेशानी। वलसाड़ जिले से गुजरने वाले अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भारी बारिश के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही नेशनल हाईवे पर भारी धूल उड़ने के कारण हाईवे पर शून्य दृश्यता के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड़ के वाघलधरा गांव से महाराष्ट्र के पालघर तक नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहनों को भारी नुकसान हो रहा है और दुर्घटनाएं भी हो रही है। राज्य और देश के सबसे व्यस्त रहने वाले नेशनल हाईवे में से एक अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भी कई जगहों पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे की हालत खराब हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से भारी टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बदले में मिलने वाली सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। इस नेशनल हाईवे के रखरखाव और उसकी मरम्मत में लापरवाही के कारण वलसाड़ तालुका के वाघलधरा गांव से महाराष्ट्र के पालघर तक नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 लगातार वाहनों से भरा रहता है। नेशनल हाईवे होने के कारण हाईवे से छोटे और भारी वाहन तेजी से गुजरते हैं। ऐसे में हाईवे के बीच में बड़े गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है। साथ ही हाईवे पर भारी धूल उड़ने के कारण नेशनल हाईवे पर शून्य दृश्यता के कारण भी वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वलसाड़ जिले से गुजरने वाले अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहनों को नुकसान हो रहा है। साथ ही हाईवे पर धूल उड़ने के कारण वाहन चालकों को शून्य दृश्यता का सामना करना पड़ रहा है। शून्य दृश्यता के कारण कई वाहन चालकों की दुर्घटनाएं हो रही है और कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, जिससे अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण वाहनों के टायर फटने से दुर्घटना हो गई है। नेशनल हाईवे पर पड़े गड्ढों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जल्द से जल्द भरने की मांग वाहन चालक कर रहे हैं। देखना यह है कि लाखों रुपए का टोल लेने वाली हाईवे अथॉरिटी कब इन गड्ढों को भरेगी।
पोस्ट पर कार में शराब के साथ सूरत के सस्पेंड हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। पारड़ी के कलसर पातलिया चेक पोस्ट पर दमन से कार में सूरत की ओर शराब ले जाते हुए दो बुटलेगर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पारड़ी पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी, उसी दौरान मिली सूचना के आधार पर निगरानी रखी गई थी, तब दमन से कार आती हुई देख पुलिस ने रुका। जांच करने पर शराब के 7 बॉक्स जिसमें 96 बोतलें थी जिनकी कीमत 55,200 रुपए थी वह बरामद हुई। पुलिस ने इस शराब के स्टॉक के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि दमन से अलग अलग वाइन शॉप से खरीद कर खुदरा बिक्री के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने बुटलेगर मितेश साहेब राव ठाकुर निवासी सूरत अडाजन और चिंतन भाविन भाई शाह दोनों को गिरफ्तार किया। चिंतन भाविन भाई शाह जो सूरत सिटी पुलिस कंट्रोल रूम में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे और पिछले 6 महीनों से निलंबित थे। पुलिस ने शराब का स्टॉक मोबाइल कार सहित कुल 3.55 लाख का माल जब्त कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू की है। शादी या प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ही एक नेता का मामला सामने आया है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि धर्मपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक ईश्वर भाई पटेल ने 60 साल की उम्र में दूसरी बार वह शादी के बंधन में बंधे हैं। कहा जाता है कि शादी या प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, वृद्धावस्था में भी पुनर्विवाह और प्रेम विवाह के कई मामले सामने आते हैं। इस बार राज्य के एक पूर्व विधायक ने 60 साल की उम्र में दूसरी बार शादी की है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि वलसाड के धर्मपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस विधायक ईश्वर भाई पटेल ने 60 साल की उम्र में दूसरी बार शादी की है। ईश्वर भाई पटेल ने वलसाड के अटगाम कोलवाड़ फलिया में रहने वाली ओपिना बेन नाम की एक महिला से कोर्ट मैरिज की है। ईश्वर भाई ने और ओपिना बेन ने अपने परिवारजनों की उपस्थिति में वांसदा की कोर्ट में कोर्ट मैरिज की और वांसदा के रामजी मंदिर में भगवान की साक्षी में एक दूसरे के जीवन साथी बनने की प्रतिज्ञा ली। महत्वपूर्ण है कि ईश्वर भाई पटेल वर्षों पहले धर्मपुर और आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के जाने माने चेहरे थे। वे कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में भी वह शामिल हुए, इसलिए वे आदिवासी क्षेत्रों में जाना पहचाना नाम है। उनकी पहली पत्नी का वर्षों पहले निधन हो गया था जिसके बाद से वे अकेले जीवन जी रहे थे। अब उम्र के ढलते समय में जीवन की एकाकीपन को दूर करने के लिए जीवन साथी की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने अपनी पसंद की अटगाम के कोलवाड़ फलिया में रहने वाली ओपिना बेन के साथ जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस दूसरी बार की शादी करने के विषय पर खुलकर बात की है। उनके अनुसार पहली पत्नी के निधन के बाद वे वर्षों तक अकेले जीवन जीते रहे, अब उन्हें जीवन साथी की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए उन्होंने दूसरी बार शादी की है। अब वे अपने नए जीवन साथी के कारण आने वाला जीवन शांति से बिताने का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल एक पूर्व विधायक का पुनर्विवाह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ईश्वर भाई पटेल पूर्व धारासभ्य श्री धर्मपुर हूँ। मारा गृहस्थ जीवन में घना वर्ष थी मारे धर्मपत्नी नो देहांत थवा थी एकलवायु जीवन जीवतो हतो। त्यारे घना वर्ष सुधी एकलवायु जीवन जीवा माटे घनी बधी तकलीफो पड़ी। मित्रवर्तुळमां पण मने घणा बधाए प्रोत्साहन आप्युं के फरी लग्न करो, फरी लग्न करी लो, तमारा कोईपण जग्याए एकलवायु जीवन जीववाथी घणी बधी संबंधो जाळवा, कोई आयुर्वेदियो घरे एमना माटे पण व्यवस्था जाळवा के पाछला जीवनमां जीवनसाथीनी घणी बधी जरूर होय छे। युवानीमां तो माणस गमे तेम टाइम पास कई नौकरी धंधो करीने पण ए जीवी शके, पण 50 वर्ष पछीना जीवनमां एकलवायु जीवन जीववुं घणी बधी मुश्किलो पड़े छे। एना नाते मारा मित्रवर्तुळमां पण घरे घणा बधा मने आग्रह कर्यो अने गई काले ज मैं अटगाम कोलवाड़ना ओपीना बेन साथे लग्न ग्रंथिथी जोड़ायो छे अने मारुं जीवन हवे शांतिमय जीवीश एवी मने संपूर्ण खात्री साथे हुं वात करुं छुं। पारड़ी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के लिए खुदाई करते समय पैदल रेलवे ट्रैक पार करने वाले लोगों को होगी परेशानी। पारड़ी रेलवे स्टेशन पर बने नए फ्लाईओवर ब्रिज के उद्घाटन का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण कुछ काम बाकी रहने से बड़े वाहन नहीं जा सकते। हालांकि दो पहिया वाहन चालक ब्रिज से आ जा रहे हैं, दूसरी ओर स्कूल जाने वाले छात्र, व्यापारी और स्थानीय लोग रेलवे ट्रैक पार करके पारड़ी की ओर आ जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन द्वारा प्लेटफॉर्म का लेवलिंग
करने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में स्थानीय नागरिक अबुबकर शेख ने बताया कि रेलवे द्वारा खुदाई करने से यहां से जाने वाले लोगों को मुश्किल होगी। रेलवे अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार काम जारी रखेंगे, जिससे उमरसाड़ी माछीवाड़ देसाईवाड़ की ओर से पारड़ी जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होगी। ऐसे में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज शुरू होने के बाद रेलवे प्रशासन उनके प्लेटफॉर्म का काम शुरू करे, ऐसी मांग की गई। अब पारड़ी रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का बाकी काम जल्द से जल्द पूरा कर लोगों के लिए खोलने की मांग उठ रही है। से આપણે ઓપન ઓર ભી આપણો ચાલુ આપવાનો હતો એ ચાલુ નથી થયો તેના આધારે હવે અહીંયા છોકરા લોકોને ભી બહુ તકલીફ પડે છે અને નાના બાળકોને ભી તકલીફ પડે છે હવે પાછા રેલવે વાળા પાછા પ્લેટફોર્મ બનાવતા છે એ ખાડો વાળો બધું ખોલી દીધું હવે એ ઉપરનો બ્રિજ નથી ચાલુ થયો તો પછી નીચેથી જવાના કેવી રીતે કમસે ઉપરનું ચાલુ આવે પછી નીચે ખોદવાનું ખોદીને પ્લેટફોર્મ બનાવે આપણો કોઈ વાંધો નથી પણ પહેલે કમસે કમ બનાવો તો ખરા ઉપરનું ચાલુ આપી દેવો ની એનું કઈ સમસ્યાનો નિકાળ અમે કઈ કરતા જ નથી સાહેબ અત્યારે ગાડી મૂકીને નીચેથી આવી રહ્યા છે જઈ રહ્યા છે કાર ને બધું તો તે આવવા જવાનું બધાને ચાલતું બી નહીં જઈ શકે એમાં હવે આ લોકો રેલવે વાળા ખોદવાનું ચાલુ કરી દીધું છે હવે ખોદીને જો કરી દે તો પછી જવાશે બી નહીં ને આવશે બી નહીં અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે અત્યારે અમને આ લોકો પાયા ખોદિયા કરતા છે ત્યાં ખોદીને કમ્પ્લીટ કરતા છે લોકો તાકે એ લોકો પ્લેટફોર્મ ને લેવલે કરવાના છે તો નાના બાળકો જો સ્કૂલ જતા છે તે કેવી રીતે પ્લેટફોર્મ પર ચડીને જવાના છે આ બાબતે કોઈ ને કઈ પૂછ્યું તમે લોકો આજે અમે અધિકારીને બે અધિકારીને મહિલા છું ત્યાં તે ઉપર વાત કરી છે તો અમારે તો નહીં ચાલે એમ કે અમારું કામ છે એટલે અમારે તો પૂરું જ કરવા પડે એમ કીધું તો હવે આ જવાબદારી કોની રહી છે એ લોકો બ્રિજ વાળાને વાત કરવા પડશે એમ કે બ્રિજ વાળાને કેવું તો પહેલે તો ઉપરનું ચાલુ આપે પહોંચ તો આ રેલવેનું કામ ચાલવું જોઈએ ને શું આશા રાખે છે બ્રિજ કેરે ચાલુ થવા જોઈએ ચાલુ તો થઈ જવા જોઈએ પણ હજુ ચાલુ નથી થયું હજુ આ વરસાદને લીધે નહીં ચાલુ થયું હવે ચાલુ લગભગ દસ બે પાંચ દિવસમાં થઈ જવા જોઈએ આ બાબતે કોઈ ને નેતા લોકો ને કોઈ ને વાત કરી તમે કોઈ નથી મેં રેલવે ના અધિકારી ઉતારે એ લોકો ને મેં વાત કરી છે તો એમ કે તમે ઉપર વાત કરો એમ કે ઉપર વાત કરીને પછી મેં કહ્યું હવે પેસ ઉપર તમારે મધ્યમ થી આગળ વધી શકે તે હિસાબે આપણે કામ આગળ કરીએ એમ આપનું નામ મારું નામ અબુબકર ઉસ્માન શેખ वापी डुंगरा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से धुएं के गुबार नजर आए। वापी के पास डुंगरा में दोपहर के समय लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से फायर टीम दौड़ पड़ी और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। वापी फायर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वापी के पास डुंगरा गांव के बुलेट ट्रेन स्टेशन रोड पर लकड़ी का गोदाम है, जिसमें दोपहर करीब 12 बजे के आसपास आग लग गई थी। धुएं के गुबार दूर तक नजर आ रहे थे और यहां गोदाम में तथा आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई थी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की सूचना तुरंत ही फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर वापी जीआईडीसी नोटिफाइड फायर सिलवासा और निजी कंपनी से फायर फाइटर्स की टीम पहुंची और पानी की बौछार कर घंटों की मेहनत के बाद लकड़ी के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया। यह लिखे जाने तक आग किस कारण से लगी और कितना नुकसान हुआ यह पता नहीं चल पाया है।
वलसाड जिले के प्रभारी सचिव रेम्या मोहन ने बाढ़ प्रभावित कश्मीर नगर बरुड़िया वार्ड का दौरा किया। वलसाड शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वलसाड पारड़ी के कश्मीर नगर और बरुड़िया वार्ड का वलसाड जिले के प्रभारी सचिव और नेशनल हेल्थ मिशन के निर्देशक रेम्या मोहन ने दौरा किया। उन्होंने बाढ़ का पानी उतरने के बाद निवासियों को मिलने वाली प्राथमिक सुविधाओं की जांच की और महामारी न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और सर्विलांस जारी रखने का निर्देश दिया। भारी बारिश के कारण वलसाड की औरंगा नदी में बाढ़ आने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया था। इसके चलते कश्मीर नगर और बरुड़िया वार्ड क्षेत्र के लोगों को वलसाड पारड़ी के श्री राम लला मंदिर के हॉल में स्थानांतरित किया गया। हालांकि बाढ़ का पानी उतरने के बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में महामारी न फैले इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। इसी संदर्भ में जिले के प्रभारी सचिव रेम्या मोहन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केपी पटेल, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विपुल गामित, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ मनोज पटेल, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ वीरे पटेल और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमल चौधरी को विशेष रूप से निर्देश दिया कि नियमित रूप से डस्टिंग कराए, पीने के पानी के स्रोतों का क्लोरीनेशन करें और महामारी न फैले इसके लिए सावधानी बरतते हुए सर्विलांस जारी रखें। इन निर्देशों के संदर्भ में अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विपुल गामित ने बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मी रोज घर घर जाकर दस्त, उल्टी और बुखार से संबंधित विभिन्न बीमारियों की जांच कर मरीजों को दवा दे रहे हैं। वलसाड नगर पालिका के मुख्य अधिकारी दशरथ सिंह गोहिल ने नगर पालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के समय जिला कलेक्टर नैमेश दवे, जिला विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, मामलतदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बारिश के कारण वलसाड हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल के कारण वाहन चालकों को परेशानी। हाईवे अथॉरिटी वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूलती है, फिर भी हाईवे पर सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। पारड़ी में कल्सर चेक पोस्ट पर कार में शराब के साथ सूरत के सस्पेंड हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। वह दमन के वाइन शॉप से शराब खरीदकर बिक्री के लिए सूरत ले जा रहे थे। कुल रुपए 3.35 लाख का माल सामान जब्त किया गया। शादी या प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ही एक नेता का मामला सामने आया है। धर्मपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक ईश्वर भाई पटेल 60 साल की उम्र में दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।